नेशनल वोटर डे के उपलक्ष्य पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरा में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस उपलक्ष्य पर एक रैली भी निकाली गई। इसके साथ स्कूल में मॉक पोल करवाकर विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया और महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण कुमार और स्कूल का सभी स्टाफ मौजूद रहा। आज हमारे मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खैरा में नेशनल वोटर डे मनाया जा रहा है। इसमें एनसीसी एनएसएस के बच्चों ने सभी बच्चों के साथ मिलकर प्रधानाचार्य के सौजन्य से प्रधानाचार्य की देखरेख में बहुत बड़ी रैली निकाली। पूरे खैरा गांव में हर एक गली में जाकर बच्चों ने नागरिकों को जागरूक किया कि हम सबको अपने व्यस्त मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा देश जो है वो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सबसे पहले महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिया। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका और जितने भी इंग्लैंड उन्होंने सबके ऊपर राज किया हुआ है। जो प्रजातंत्र के घर रहे हैं, प्रजातंत्र की जननी रहे हैं, इन्होंने भी बहुत देरी से अपनी देश की महिलाओं को मताधिकार दिया था। लेकिन हमारा भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, हमारा संविधान 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसके पश्चात 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुए, उसी इलेक्शन में पहली बार ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार जो थे व्यस्त अधिकार दे दिया और महिलाएं आज भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है। ना केवल राजनीति के क्षेत्र में बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र में, बल्कि महिलाएं आर्मी के क्षेत्र में भी देश की सेवा करने में तत्पर रही हैं। और हमारे पाठशाला ने ये रैली किया है। नमस्ते, मुझे अपना वोट बनवाना है। के बैठ जाओ। नाम क्या है आपका? पराग। एज? 19 वर्ष। अपना बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। ले लीजिए। धन्यवाद। मुनिये, मैं बोट बनाना है, पाना बोट है। आपका नाम बोली है? वार्ड नंबर 6, क्रमांक संख्या 148। अपनी सिग्नेचर करें। मुनिये, सिग्नेचर नहीं होते वो करना। अंगूठा ले आइए। लेफ्ट हैंड करें। लेफ्ट क्या होता? ओला चल नहीं। निर्वाचन एक्सप्रेस के लिए खैरा से सन्नी दीवान की रिपोर्ट।